भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मोबाइल को हम दिन में कितनी बार छूते हैं, एक व्यक्ति बता सकता है? हर चीज को छुए मोबाइल को छुए, हर चीज को छुए मोबाइल को छुए, हर चीज को छुए मोबाइल को छुए, होता है? और दिन भर में उसकी अच्छे से सफाई कितनी बार करते हैं? मुश्किल से एक आध बार भी कोई करता होगा तो, वरना एक बार भी नहीं करते। अभी एक रिसर्च स्टडी हुई, कुछ ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स, कुछ ओपीडी चलाने वाले डॉक्टर्स, कुछ ड्राइवर, कुछ ऑफिस में बैठने वाले लोग, कुछ अलग अलग प्रकार के ठेला दुकान, ऐसे ऐसे अलग अलग लोगों के मोबाइल लिए गए और उसको स्वाइप करके माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर टेस्ट किया गया। हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट होती है ना, उसके ऊपर भी जितने खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया नहीं होते हैं जानलेवा, उससे भी बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया हमारे मोबाइल और मोबाइल के कवरों के ऊपर पाए गए और हम खाते हुए भी नहीं छोड़ते। कॉम्युनिकेबल डिजीज को फैलने का सबसे बड़ा साधन सार्वजनिक स्थान होते हैं, हर व्यक्ति आता है दरवाजे के हैंडल को छूता है, ग्रिल सीढ़ी चढ़ते उतरते ग्रिल होती, हर व्यक्ति आंख बंद करके उसके ऊपर हाथ लगाता है। ऐसी कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक कम्युनिकेबल डिजीज को बढ़ाती हैं और इतनी बड़ी मात्रा में हानि हो रही है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये पिछले कोरोना काल में इसके ऊपर खूब सारी रिसर्चें की गई, खूब सारे परीक्षण किए गए। ये जो हम हवन करते हैं ना, गाय का घी और अलग अलग जड़ी बूटियों को जलाने पर जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है GC-MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं तब इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। उसमें इस यज्ञ के धूम्र को एनालाइज किया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा इस यज्ञ के धूम्र के अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर जिस बैक्टीरिया वायरस फंगस से हम प्रभावित होते हैं, बीमारियां हो जाती है, इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की जान चली जाती है, उसके लिए जो कारणभूत बैक्टीरिया वायरस फंगस होते हैं उसको लिया और ये हवन के धूम्र को उसको दिया गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक बार मात्र के यज्ञ के धूम्र से 65% से 96% बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि नष्ट हो गए। और उसके उपरांत जहां पर ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज फैलने के सबसे बड़े केंद्र होते हैं, होटल्स या गेस्ट हाउस जहां व्यक्ति आता है, रुकते हैं, चले जाते हैं, ऐसे स्थानों पर और भी प्रैक्टिकली अनुभव किया, कोई IITs के साथ मिलकर के कुछ परीक्षण किया हुआ और ये सारी रिसर्च डाटा को एनालाइज करके एक रिसर्च पेपर के रूप में दिया गया। और जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं तब जिन इंटरनेशनल संस्थानों को हम इस चीज को भेजते हैं उनको भेजा गया, आपको जानकर के अपनी संस्कृति के प्रति गर्व होगा कि 2-3 महीने पहले ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ कि ये छोटी सी विद्या को यदि लोगों को सिखा दे, बता दे और समझा दे कि कुछ विशेष जड़ी बूटियों को अग्नि में डाल करके उसका धूम्र करें तो हम 2 करोड़ लोगों की जान बचा सकते हैं और हजारों करोड़ रुपए का जो खर्च होता है उसको बचा सकते हैं। इतनी बड़ी चीज है ये, तीसरा महत्वपूर्ण विशेष लाभ। इससे अतिरिक्त एक और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। आज देखिए, हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर और भी बहुत सारे अपने घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दीवारों में बोर्ड्स लगे हैं, LED लाइट्स लगे हैं, केबल्स बिछे हुए हैं, हम कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रयोग कर रहे हैं और आज कार्बनिक पदार्थों का भी हम प्रयोग कर रहे हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती हैं, क्या करती हैं? आज हम एक घने
रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं, अदृश्य नेट, वैसे भी हम नेट बोलते हैं, नेट क्या होता है हिंदी में कहो तो जाल, एक जाल के बीच में हम जी रहे हैं। आज देश दुनिया में जो लोग समझ रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं कि 5G नेटवर्क को कैसे भी करके रोका जाए, रेडिएशन छोड़ने वाले जो तकनीकें आ रही हैं उसको कैसे भी करके कंट्रोल किए जाए, उसके ऊपर कानून बनाए जाए। आज इस रेडिएशन के कारण हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज हो रहे हैं भारी मात्रा, MND MD जैसी बीमारियां, खतरनाक ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहने से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जा रही, हमारे सेल्स और न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, छोटी छोटी चिड़िया मधुमक्खियां विलुप्त तो हो रही है रेडिएशन के कारण, कितना बड़ा दुष्प्रभाव, चिड़चिड़ापन हो जाते हैं ज्यादा नेटवर्क वाले। जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में डॉक्टर वाई के विजय जी और CPCB सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली में डॉक्टर ममता सक्सेना जी, ये दोनों ही संस्थान की रिपोर्ट बताती हैं हवन करने पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायु के अंदर आते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं ना हवन करने पर वायु में आ जाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायु के अंदर आते हैं और उसके वायु के अंदर आने पर जो हानिकारक एटॉमिक रेडिएशन में जो बीटा रेडिएशन होता है, जो सबसे खतरनाक घातक और हमारे व्यवहार में आने वाला रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दोनों ही प्रकार के रेडिएशन की रेंज को यज्ञ के ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तोड़ देते हैं। इतना यज्ञ कर लो पूरे परिवार को रेडिएशन से बचा सकते हो, पूरे परिवार को कम्युनिकेबल डिजीज बैक्टीरिया वायरस फंगस से हम बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ देखिए, आज वायु प्रदूषण एक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, और WHO के आंकड़ों को देखें तो केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है। कितने लोग, ये WHO के आंकड़े बता रहा हूं, 70 लाख लोग जितने अहमदाबाद में रहते हैं। और उसके साथ साथ ये वायु प्रदूषण के कारण प्रकृति के ऊपर भी बहुत सारे हानिकारक दुष्प्रभाव हो रहे हैं, पेड़ पौधे प्रजातियां कितनी 40 से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गई पेड़ पौधों की ये वायु प्रदूषण के कारण, हमारे अस्थमा दमा कैंसर जैसी बीमारियां भी देता है। नासा के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, उन्होंने कई सारे यज्ञ के ऊपर परीक्षण किए और उस परीक्षण के आधार पर उन्होंने एक विशेष निष्कर्ष बताया कि यज्ञ करने से एथिलीन ऑक्साइड प्रोपाइलीन ऑक्साइड से लेकर के डिफरेंट डिफरेंट गैसों का विशेष रूप से निर्माण होता है, वो जब वायु के अंदर आ जाती हैं तो वायु के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें मौजूद होती है, दोनों ही गैसें जब आपस में मिलती है और एक निश्चित टेम्परेचर मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं बनते हैं टूटते हैं बनते हैं, और जो SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हानिकारक गैसें हम जिसको कहते हैं, जिसको पोल्यूटेंट गैसें हम कहते हैं, जो हार्मफुल गैसें हैं जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है, वो गैसें भी इस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। और एक विशेष परीक्षण में उन्होंने बताया कि बड़े यज्ञ जो किए जाते हैं उससे अंतरिक्ष में भी बड़े पॉजिटिव प्रभाव आते हैं, और दक्षिण भारत की कुछ संस्थानों के साथ मिलकर के उन्होंने परीक्षण किए और उस परीक्षण में उन्होंने बताया कि एक बार किया हुआ यज्ञ 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है उतने एरिया के अंदर आने वाले एक सप्ताह पर्यंत भी यदि पोल्यूटेंट गैसें हार्मफुल गैसें वहां आती हैं तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने की शक्ति सामर्थ्य रखता है। और ये भारत के नहीं, अंतरिक्ष के वैज्ञानिक बोल रहे हैं, और ऐसी भारत की भी बहुत सारी रिपोर्टें हैं, बाहर की भी बहुत सारी रिपोर्टें हैं, लेकिन ये जो मैंने उदाहरण बताया एक बहुत माने जाने वाले एक बड़े साइंटिस्ट जिसको कहते हैं उसकी मैं आपके सामने बात रखी। बाकी कितनी सारी यूनिवर्सिटियों का, कितनी सारी रिसर्चों का ये रिपोर्ट है कि SOx, NOx, CFC और छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं PM2.5, PM10, ये सारे पोल्यूटेंट चीजें कम होती है यज्ञ करने पर, हवन करने पर। मानी इतना छोटा सा यज्ञ यदि परिवार में कर लिया जाए तो हम पूरे परिवार को हानिकारक
प्रदूषक तत्वों से भी बचा सकते हैं। ये इतनी बड़ी विद्या है, छोटे छोटे लोगों को यदि हम सिखा दे बता दे तो 70 लाख से लोगों को खाली वायु प्रदूषण से मौत से बचा सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉमन हमने लाभ देखे, कितने लाभ हो गए, सबसे पहला लाभ क्या बताया था, वायुमंडल के अंदर ये विशेष प्रभाव डालता है, उसको जीवनीय शक्ति से युक्त करता है। और हमारा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार कोई होता है तो क्या होता है, प्राण वायु, और उसका निर्माण होता है जिससे हमें लंबी आयु मिलती है, स्वस्थ आयु मिलती है। दूसरा लाभ मैंने क्या बताया था, वायुमंडल के अंदर ऋण आवेशित कणों को बढ़ाता है, ऋण आवेशित कण वाले वायुमंडल में रहने से हमारे गुड हार्मोन्स बनते हैं, और दूसरा बॉडी अल्कलाइन होती है तो कोई रोग होता नहीं। ये कई सारे ऐसे, और ये एक एक लाभ को भी हम खाली देखें तो कितने बड़े बड़े लाभ हैं, ये छोटे नहीं है, और ये एक साथ हमें प्राप्त होते एक ही विद्या को। इन सारे लाभों के साथ, ये तो कॉमन लाभ है, कोई भी करेगा कभी भी करेगा ये लाभों को प्राप्त करेगा, इसके साथ साथ एक विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है, वो होता है चिकित्सा लाभ। कौन सा लाभ, चिकित्सा लाभ। आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्साओं का वर्णन मिलता है, कितनी प्रकार की, एक होती है देव व्यपासे चिकित्सा, एक युक्ति व्यपासे चिकित्सा, और एक सत्वावजय चिकित्सा। यज्ञ को देव व्यपासे चिकित्सा कहते हैं, और इसके विषय में विशेष रूप से बताया, यया प्रयुक्ता चेष्टया राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग दवाइयां लेने पर भी अब कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो आरोग्यार्थी वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। और अथर्ववेद में विशेष रूप से बताया, यदि क्षितायुर यदि वापरे तो यदि मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामे अस्पार्श्वमेनम सत सारदाय। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी, उनकी धातु क्षीण हो चुकी, उनके प्राण क्षीण हो चुके, अब लंबी आयु नहीं दिख रही है, मौत सामने खड़ी हुई है, तमाहरामे निर्तेर अस्पार्श्वमेनम सत सारदाय, उसकी भी उस बीमारी से उस रोग से बाहर लाता हूं और 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। अथर्ववेद में भी विशेष रूप से बताया। इसी प्रकार आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम् यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम् तेन तेनैव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन जिन औषधियों का हम सेवन करते हैं, उन्हीं से हवन होम अग्निहोत्र करने पर वह वह रोग हमारे शांत होते, दूर होते, नष्ट होते। इदम् हविर् यातु धाना नदी फेनम् इमां वहद्। जैसे नदी का पानी जाग को बहा ले जाता है, कचरे को बहा ले जाता है, ऐसे ही ये यज्ञ में दी हुई हवि यातनादायक रोगों को बीमारियों को बहा ले जाती है। इस शास्त्रों में जो अलग अलग चिकित्सा के विषय में जो वर्णन प्राप्त होता है, उसी आधार पे कुछ अलग अलग औषधियां, अलग अलग जड़ी बूटियां उसको लेकर के PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में कई सारे अनुसंधान हुए, रिसर्च हुए। उसमें ये जो हम अलग अलग औषधियों की जब अग्नि के अंदर आहुतियां देते हैं और जो धूम्र उठता है, उस धूम्र को जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं और हाई इंपैक्ट फैक्टर के लेवल की जब हम रिसर्च स्टडी करते हैं, उसमें इस टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके यज्ञ के धूम्र को एनालाइज किया गया। यज्ञ के धूम्र के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के विशेष आरोग्य देने वाले तत्व, मॉडर्न मेडिकल भाषा में हम कहें तो जब हम अपने बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए क्या लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। असंतुलित रूप से जब कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, ट्यूमर गांठ बन जाती हैं, कैंसर हो जाता है, उसको रोकने वाले एंटी ट्यूबरकुल कंपोनेंट्स भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। कैंसर को ना होने देना या होने पर जो ट्रीटमेंट, उसको ट्रीट करने के लिए दवाइयां देते हैं, एंटी एंजियोजेनिक कंपोनेंट्स, वो भी इस यज्ञ धूम्र के अंदर पाए गए।
हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को रोकने वाले एंटीब्यूटाजेनिक कंपोनेंट्स भी इसके अंदर पाए गए हैं। सूजन, दर्द, इंफेक्शन आदि को दूर करने वाले एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स भी इसके अंदर पाए गए हैं। एंटी माइक्रोबायल, कम्युनिकेबल डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो हम दवाइयां खाते हैं, वो कंपोनेंट्स भी इसके अंदर पाए गए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए जो हम दवाइयां खाते हैं उसके अंदर जो ठोस रूप में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो गैस फॉर्म में अवेलेबल रूप में परमिसिबल लिमिट के अंदर यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए जाते हैं। यज्ञ का धूम्र एक विशुद्ध मेडिसिन होता है, सामान्य धूम्र नहीं होता है, एक मेडिसिन होता है। और उसी अलग अलग प्रकार के अनुसंधानों के आधार पे आपको आश्चर्य होगा और गर्व भी होगा अपनी संस्कृति के प्रति। वर्ल्ड में, दुनिया में पहली बार जो हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार कोई है तो वायु है, और उस वायु के माध्यम से अलग अलग चीजों को जला करके अलग अलग मेडिसिनल कंपोनेंट से उस वायु को युक्त करना और उसमें श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करके और अलग अलग लाभों को उठाने वाली यज्ञ विद्या पर आज ये आपके सामने जो अलग अलग जड़ी बूटियां रखी हैं, ये एविडेंस बेस्ड अनुसंधान के आधार पे तैयार की हुई 11 प्रकार की रोगानुसार हवन सामग्रियां पहली बार दुनिया में काम। और आज केवल मात्र आयुर्वेद के डॉक्टर ही इस विद्या का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आज से पहले तो ये भी नहीं प्रयोग करते थे, आज तो इसका भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन आज इसके साथ साथ एलोपैथ के हॉस्पिटल और एलोपैथ के डॉक्टर लोग भी आज इसका प्रयोग करते हैं। अभी मैं कल राजकोट में था, वहां पर एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, संजीवनी हॉस्पिटल करके, 6 मंजिला बहुत बड़ा हॉस्पिटल, एलोपैथ का हॉस्पिटल, कई सारे प्रकार की सुविधाएं, ऑपरेशन, ये वो सब चीजें हो रही। कल से उस हॉस्पिटल के अंदर पूरे एक फ्लोर में अलग प्रकार से रोगानुसार एविडेंस बेस्ड औषधियों के माध्यम से यज्ञ ट्रीटमेंट का पूरा सेशन के साथ पूरी चीजें की जाती है एलोपैथी के बड़े हॉस्पिटल में। और ये एक दो जगह पे नहीं, जगह जगह पर ये चीजें अब चालू हो रही है अलग अलग लोगों, क्यों? ये साइंटिफिक चीज है। यज्ञ चिकित्सा कैसे काम करती है? एक तो पहले मैंने आपको बताया ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आहार हमारा वायु है। अब वो वायु हमें जो दवाई लेनी है वो ठोस रूप में लेते हैं, उसको अग्नि के अंदर जलाया तो वो गैस फॉर्म में वायु में आई। वो पेशेंट 24 घंटा श्वास तो ले रहे हैं, उसके माध्यम से वो क्या हुआ, वो मेडिसिनल कंपोनेंट्स ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से सेल्स तक और पूरे शरीर में चिकित्सा का काम करते हैं। दूसरा, जब हम हवन करते हैं तो गुगुस्टेरोल, परफ्राल ऐसे कुछ विशेष कंपोनेंट्स होते हैं जो सोमनस्यकारी होते हैं, मन को प्रसन्न करने वाले, मन को आह्लादित करने वाले, गुड हार्मोन्स को बढ़ाने वाले, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाने वाले। आप सबको मालूम है दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन। और बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण भी किसको माना जाता है, इसी चीज को। और हवन करने पर ये गुगुल, स्टेरोल, पॉर्फ्राल ये विशेष कंपोनेंट निर्मित होते हैं और उसको जब हम सूंघते हैं तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड उससे सीधे प्रभावित होती है और गुड हार्मोन्स चालू हो जाते हैं और स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन को एक झटके में दूर करते हैं। कोई भी बीमारी को ठीक करना आसान, सरल हो जाता है। इस रूप में भी यज्ञ चिकित्सा हमारा ट्रीटमेंट करता है। उसके साथ साथ हम मंत्रों का पाठ करते हैं। जब हम मंत्र के पाठ पूर्वक, मंत्र के उच्चारण पूर्वक मंत्रों को सुनना, आपने देखा होगा ना, म्यूजिक थेरेपी, सुना, ध्वनि चिकित्सा, उससे क्या करते हैं, हीलिंग देते हैं, मन को रिलैक्स करते हैं, हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, न्यूरोन्स को ताकत देते हैं। हम जब यज्ञ करते हैं तो मंत्र का पाठ करते हैं, मंत्र का श्रवण करते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य भी होगा और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व भी होगा।
आज इतना मॉडर्न मेडिकल साइंस आगे बढ़ चुका है, हमारे पास स्पेशल लैबें हैं, लेबोरेटरियां हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सब कुछ है, लेकिन आज भी हमारे पास न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करने के लिए क्या है? कुछ नहीं। और आपको जानकर के आश्चर्य हो गया कि विधि पूर्वक, मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन करने पर हमारे न्यूरोकेमिकल्स भी बैलेंस हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है दुनिया की, न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस होना, ये यज्ञ मंत्र पाठ पूर्वक करने, न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस। और न्यूरोकेमिकल्स बैलेंस हो गया तो शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज लाना आसान सरल होता है, और कोई बीमारी तो होती ही नहीं। बीमारी क्या है? न्यूरोकेमिकल्स का अनबैलेंस न होता, प्रदूषण और रोगों का वार करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकल्पेषु, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकल्पेषु, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। कुंड के पास बैठ के और वातेष्टि और गूगल डाला करो, एक वो ना वातेष्टि और ये गूगल है ना, ये डाल करके अपने सामने और फिर किया कर तो और जल्दी। ये गूगल खाने में भी लाभ करता है, ये वात रोगों में खिलाते हैं। योगराज गूगल, सिंहनाद गूगल, त्रियुदशांग गूगल, कैशोर गूगल, मोक्षराज गूगल, और ये गूगल फिर हवन में भी डालते हैं तो इससे और जल्दी तेरी रीढ़ की हड्डी में लचक बढ़ जाएगी और इसका जो डिजनरेशन और डिफॉर्मेशन हुआ है सब खत्म हो जाएगा। अब ये कौन है, इसका पिता या भाई जो भी साथ में आए? मैं दादाजी हूँ। तो क्या था इसको बालक को? ये 10 साल तक जन्म से ठीक था, 10 साल बाद इसके लेफ्ट पैर का अंगूठा उठा था इसे। अच्छा, 10 साल तक ठीक था ये बालक जी? 10 साल तक हम फिर अंगूठे का हमने ध्यान नहीं दिया, पर खेलता कूदता कहीं लग गया। अंगूठे से शुरू हुआ वात रोग बोलते हैं इसको, वाती रोग है, इसको नाम कुछ भी दे लो। फिर हल्का हल्का पैर में बढ़ गया, फिर राइट पैर में आ गया, फिर इस हाथ में आ गया राइट हैंड में। अभी हाथ इसके थोड़े थोड़े टेढ़े हैं, अभी सब सारा टेढ़ा मेढ़ा ही बालक ठीक होगा। फिर ये कोरोना का टाइम होगा, लॉकडाउन, स्कूल बंद हो गए, फिर थोड़ा घंटे से क्योंकि वैसे हमने ध्यान देखा कुछ ना पड़ा ही जैसे लोग चला गया, ये पूरा कूड़े टाइप में आ गया। ये कितने दिन में हो गया पूरा कुबड़ा? अब ये होगा 8-10 महीने से ज्यादा हो गया। 8-10 महीने से पूरा ऐसे आ गया? फिर 3 साल तक प्रॉपर एलोपैथिक की, जयपुर क्या, एम्स क्या, गंगाराम क्या, बहुत सारे खा के आ लिए, पर कोई आराम नहीं मिला। हाँ। लास्ट में सवाल जी के हम सवाल जी के पास। अब कितने दिन हो गया यार? अब इसको हो गए 18 दिन। 18 दिन हो गए। अब इसको पूरा सीधा करने में 2-3 महीने लग सकते हैं, लेकिन ये बच्चा पूरा सीधा हो जाएगा, हाथ पैर पेट पीठ वापस। अब यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है, तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत, यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।